इस ऑसम ट्यूटोरियल। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम वीएस कोड किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर हमने ये भी देखा था कि हम लाइव सर्वर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एचटीएमएल ट्यूटोरियल सिखाऊंगा और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मतलब मैं आपको ये एचटीएमएल ट्यूटोरियल सिखाऊंगा और बिल्कुल 100% ही सिखाऊंगा आप लोगों को एचटीएमएल। तो एचटीएमएल है क्या चीज़ असल में, तो सिर्फ अब हम ये जान लेते हैं कि हम मतलब वीएस कोड में फाइल किस तरह बना सकते हैं और हम उसमें एचटीएमएल कोड उसमें किस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आप लोगों के लिए लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के लिए मतलब ये कोड लिखा था पिछली वीडियो, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ शुरू से। मैं इसको बैक स्पेस कर ख़त्म कर देता हूँ और मैं शुरू कर देता हूँ एचटीएमएल ट्यूटोरियल। मतलब मैं आज से आप लोगों को एचटीएमएल ट्यूटोरियल सिखाऊंगा, हम सब सीखेंगे मतलब एचटीएमएल क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है एक वेब डेवलपमेंट के लिए। क्यों बेसिकली एचटीएमएल एक वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एचटीएमएल एक बेसिक है एक किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक फाइल सेव किया है index.html। अब इस तरह आप लोग इस आइकन पे पहले बार आइकन पे करोगे तो मुझे एक टाइटल दिखाई दे रहा है न्यू फाइल। तो मैं जिस तरह इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास एक इनपुट टैग आएगी, इसमें मैं लिखूँगा लाइक मैं लिखता हूँ first.html। इसका मतलब है कि ये फाइल ना html ही है। जिस तरह index.html जो कि हमने अभी पहले ही बनाया था इंडेक्स जो ये भी पहले, लेकिन अभी हमने first.html बना। तो first.html इसलिए बनाया कि आप लोग सीख सको कि मतलब html किस तरह हम बना सकते हैं वीएस कोड में, html फाइल हम किस तरह बना सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से डिलीट करता हूँ और हम अपने पहले पुराने वाले index.html में काम करेंगे। तो मैं जिस तरह जैसे ही शिफ्ट और 1 दबाऊंगा तो मेरे पास एक एमिट एब्रिविएशन आएगी। ये तो अगर पहले वाले में दबाऊंगा तो मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट एचटीएमएल आ गई, जिसमें मतलब ये अगर ये सारा कोड मैं नोटपैड पे लिखता तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हम वीएस कोड क्यों लिखते हैं। अगर मैं ये वीएस कोड के बजाय अगर मैं ये इसको नोटपैड में लिखता तो मुझे बहुत दिक्कत बहुत होती क्योंकि ये सारा कोड हम ना तो याद कर सकते हैं, लेकिन अगर मतलब क्यों ना भाई इजी काम है, मतलब वीएस कोड में हमें इजी काम दे रहा है तो क्यों ना हम वीएस कोड को यूज़ करें। तो इस वजह से तो सबसे पहले एचटीएमएल को समझ लेते हैं कि एचटीएमएल है क्या चीज़। एचटीएमएल एक बेसिक वेब डेवलपमेंट का एक लैंग्वेज ही आप लोग समझ लो लैंग्वेज है। फिलहाल मैं आप लोगों को बाद में फिर समझाऊंगा कि एचटीएमएल है क्या। ये एक स्केलेटन, जिस तरह एचटीएमएल एक वेब डेवलपमेंट का स्केलेटन जैसा होती है, मतलब ये एक स्केलेटन जैसा काम करती है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये मतलब ये जो सारा लिखा हुआ है ना ये मतलब ये क्या चीज़ है। ये अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारे मतलब वेबसाइट में फिर जो हम अपने वेबसाइट के लिए SEO करते हैं या मतलब अपना रैंक मिलाते हैं गूगल में तो वो फिर दिक्कत होती है। तो सबसे पहले ये डॉक टाइप HTML, इसका मतलब है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट टाइप है, मतलब HTML का डॉक्यूमेंट है। सही, अगर आप लोग नेट में भी सर्च करो HTML वगैरह, मतलब सिर्फ ये HTML डॉक्यूमेंट नहीं है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को उन सब में दिखाऊंगा। ये HTML डॉक्यूमेंट इससे हमें मालूम होता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है और ये एक HTML टैग है, ओपनिंग टैग है। ये HTML ओपनिंग टैग है, इसे हम ओपनिंग टैग कहते हैं। और ये जो है ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, HTML का एट्रीब्यूट है। HTML हर एक टैग में एट्रीब्यूट आप डाल सकते हो, HTML में हर एक जगह आप लोग एट्रीब्यूट डाल सकते हो। सही है, इसमें ऐसा कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं कि HTML हर जगह हम एट्रीब्यूट डालेंगे नहीं डालेंगे, आप लोग हर जगह एट्रीब्यूट डाल सकते हो और मतलब ज़रूरत के मुताबिक, ऐसा ना हो कि आप लोग बस एट्रीब्यूट डालते रहो, ऐसा नहीं है। सही है, तो इसका मतलब है इस एट्रीब्यूट का इसका मतलब है लैंग्वेज, LANG का मतलब लैंग्वेज, इसमें हम EN का मतलब है इंग्लिश, इसमें हम मतलब इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स की बात करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स का अगर मैं लिखता हूँ कंट्रोल में लिखता हूँ A टैग। सही है, ये मेरे पास A टैग है, इसका मतलब है
इसका मतलब है ये जो ए है ना, ये जो एंगुलर ब्रैकेट में बंद हुआ है, जो एंगुलर ब्रैकेट में क्लॉज है, इसको हम कहते हैं ओपन ओपन ब्रैकेट, सही है, ओपन ब्रैकेट। और जो इसमें फॉरवर्ड स्लैश है हम इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग, सही है। आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होती है। आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ इस तरह भी कर सकता हूँ स्टाइल, इधर मैं देखता हूँ, लेट सपोज मैं देखता हूँ स्टाइल, तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोग देख सकते हो किसी स्टाइल ओपनिंग टैग है, और ये जो ये इसमें फॉरवर्ड स्लैश है ये क्लोजिंग टैग है। और एक आती है और मैं जैसे ही इस पे क्लिक कर तो मेरे पास एक सिंपल ये है, हमारे कोड को तेज करने में मदद देती है, सही है। ये आप लोगों को बाद में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा ये क्या चीज है। तो ये HTML टैग ओपनिंग टैग है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, एक एट्रीब्यूट है जिसमें मैंने बताया कि लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी। अब आती है इसके बाद हेड टैग, हेड टैग बहुत ही जरूरी चीज है, इसको आप लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। हेड टैग के अंदर वो टैग के अंदर मेटा टैग्स आते हैं, इसके मतलब इसके सब टैग्स हैं हेड टैग में, इसमें मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग्स हम सबसे पहले जानते हैं कि मेटा टैग है क्या चीज। मेटा टैग वो चीज है या वो टैग है जो हमारे वेबसाइट को डिस्क्राइब करने में हमें हेल्प करता है। मतलब किस तरह डिस्क्राइब करने में हमें हेल्प करता है, अगर हम मतलब इस तरह हम इधर हमने लिखा है कि चार ये हमारी कोडिंग है, सही है, मतलब ये हमारी कोड जो हम लिखते हैं ये इसको इनकोड करता है UTF-8 करेक्टर में, तो इसको हम बाद में देखेंगे। मेटा टैग असल में कहते हैं किस चीज को, मेटा टैग वो उसका मेटा टैग का मतलब ये है कि हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना। अगर लेट सपोज हम अपने वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें भी ना मेटा टैग यूज करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे कि हमारे मतलब ये हमारा वेबसाइट है, हमें इसमें ये चीजें हैं, गूगल में रैंक करने के लिए, SEO करने के लिए हम इसमें डिस्क्रिप्शन कंटेंट लिखते हैं। और दूसरी बात ये है मेटा टैग्स एक वेबसाइट में जो कंटेंट होता है, जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, उसको डिफाइन करने में, उसको डिस्क्राइब करने में हम मदद देती है। सिंपल सिंपल सी बात ये है, सही है। पहला अब ये पहला मेटा टैग हमने क्यों लिखा है, सही है, ये पहला मेटा टैग इसलिए लिखा है कि ये हमारे कोड को इनकोड करता है, हमारे कोड को पार्स करता है, एक सर्वर को पार्स करता है कि ये भाई हमारे ये कोड है, आप इसको इनकोड करके हमें HTML एक HTML फाइल दे। कंप्यूटर कोड नहीं समझता, सही है, वो तो मतलब 0-1 समझता है, ये उनको क्या पता कि ये ए क्या चीज़ है और बॉडी क्या चीज़ है, ये उनको पास करता है इनकोड कर कोड है, ये इसको डिकोड करके 0-1 में कन्वर्ट करता है, फिर 0-1 कंप्यूटर को समझ के फिर हमें वो हमें वापस करके HTML फाइल देता है, इंडेक्स देता है, मतलब जो हमने कोड लिखा उसके हवाले से हम देता है। दूसरी बात, दूसरी मेटा टैग्स वो कंटेंट, इसमें मेटा टैग ये इसलिए यूज होता है क्योंकि जो पुराने सर्च इंजन थे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर हो गए, इसका मतलब भी है इंटरनेट एक्सप्लोर जो माइक्रोसॉफ्ट के, ये उनके लिए जो कि मतलब ना कंप्यूटर को अपडेट नहीं करते, इतना ही जान लो कि ये इंटरनेट एक्सप्लोर के लिए यूज होता है। अगर हम लेट सपोज अगर हम चाहते हैं कि हम मतलब एक एक और मेटा टैग हम लिखें तो हम किस तरह लिख सकते हैं, तो देखते हैं मैं अगर यूज करूँ मेटा, सही है, मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, मैं लिखता हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन, इसमें मैं लिख लूंगा दिस इज फॉर HTML ट्यूटोरियल। तो हम इस तरह मतलब अपने वेबसाइट के जो हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम इसमें इस तरह के डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये हमारा वेबसाइट है, इसमें हम ये इसमें ये वो चीज़ होती है। अब हेड में, अब और हेड में क्या आता है, हेड में अब आता है टाइटल। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ डॉक्यूमेंट, इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, सही है, अगर मैं इसको चेंज करके लिखूँ HTML ट्यूटोरियल और अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूँ तो आप लोग देख लेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं आया, हमारे पास
कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो हमने HTML ट्यूटोरियल लिखा ये हमारे पास यहाँ आ गया, ये कि आप लोग देखें HTML ट्यूटोरियल। अब हमारे पास बॉडी में क्यों क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि बॉडी में भाई हमने कुछ लिखा नहीं है। हमारा बॉडी, ये हमारा बॉडी है, इधर से ये हमारा बॉडी है, जो कि हम इसको डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी, अगर हम जो चीज़ हम बॉडी में लिखेंगे तो हमें यहाँ पर शो होगी। बाद बॉडी बॉडी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपना इसमें हम अपना एक्सटर्नल सीएसएस भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस जो कि मैंने एक अलग सी फाइल बनाई हुई इंडेक्स डॉट सीएसएस के नाम से, ये हमारे एक्सटर्नल सीएसएस है। सही है, मैंने पिछली वीडियो में आपको इंटरनल इंटरनल सीएसएस के बारे में बताया था। ये हमारे पास तीन तरह के एस होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, एक इनलाइन होता है। जो एक्सटर्नल होता है वो हम मतलब एक अलग फाइल बना के हम उसमें अपना सीएसएस स्टाइलिंग देते हैं, और जो इंटरनल होता है वो हम यहाँ पर स्टाइल टैग लगा के हम इधर ही सीएसएस मतलब टैग को टारगेट करके उसमें हम स्टाइलिंग करते हैं। तो ये हो गई हमारी हेड टैग, और ये हेड टैग हम इसको कह सकते हैं कोड फोल्डिंग इसको। तो चलिए अब हमारी बारी आती है बॉडी के। तो बॉडी बॉडी असल में वो चीज़ है ना, जो इधर हम जो कुछ भी लिखते हैं, असल में ये हमारी वेबसाइट को वेबसाइट में मतलब जो चीज़ हम डालना चाहते हैं, जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं, तो हम वो बॉडी में लिखेंगे। ये जो ऊपर की चीज़ है ये हमारी वेबसाइट को डिस्क्राइब करती है। इसे इधर हम स्टाइलिंग देते हैं, और जो बॉडी है ना इसमें हम वेबसाइट के जो कंटेंट होते हैं, वेबसाइट में जो टैग्स होते हैं, एंकर टैग्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, वो हम बॉडी में लिखते हैं। जैसे चलिए हमें आप लोगों को कुछ दो तीन टैग लिखता हूँ HTML के, जो मतलब हमारे आने वाली वीडियोज में आप लोगों को मैं HTML का बिल्कुल फुल प्रो बना लूंगा, फुल प्रो। HTML बिल्कुल ही एक इजी लैंग्वेज है, एक वेब डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक बेसिक है। आप लोगों को ये आनी चाहिए, और मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को HTML सिखा के ही रहूँगा। सही है, तो HTML की तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना और कमेंट भी करते रहना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिख सको मैं लिखता हूँ हेडिंग। सही है, कौन हेडिंग मैं लिखता हूँ, मैं लिखूँगा दिस इज अवर फर्स्ट ट्यूटोरियल। ये मेरे पास एक सजेशन भी आ गया ट्यूटोरियल। तो मैं जैसे ही एक्सटेंशन भी जाऊंगा बिना रिफ्रेश किए ये मेरे पास उधर लिखा होगा बॉडी में, क्योंकि ये क्यों लिखा होगा ये आप लोग देख सकते हो, ये क्यों लिखा होगा, क्योंकि ये सारे इस लाइव सर्वर की कमाल है। अगर अगर मेरे पास ये लाइव सर्वर नहीं होता तो मैं यहाँ से कॉपी पाथ करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता, और ये फिर मेरे पास ये ओपन हो जाता। तो इस तरह अब सिर्फ हम H1 टैग के बारे में बात करते हैं। H1 टैग है क्या चीज, H1 वो टैग है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टैग है। मतलब आप लोग कैसे H1 सबसे इम्पोर्टेंट टैग है, मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ H1, H2 और H3। हमारे पास 6 H के टैग है, हेडिंग मतलब 6 हेडिंग के टैग है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सिंपली H2 टैग्स, दिस इज सेकंड सेकंड हेडिंग, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H3 टैग, दिस इज ओवर थर्ड टैग। तो आप लोग सिंपली डिफरेंस देख लें, सही है कि मतलब किस तरह ये सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे मतलब फिर इसके बाद ये आता है तो ये इससे थोड़ा छोटा होगा, और फिर ये इससे थोड़ा छोटा होगा। आप लोग देख लें, आप लोग इस तरह कुछ मतलब इस तरह देख सकते हो कि हम इस तरह लिख सकते हैं। और मैं आप लोग एक बार बताऊँ, ये हमारा HTML का कोर्स है, सही है। तो मैं इसमें ना कोई स्टाइलिंग ऐड करने वाला हूँ, ना कोई जावास्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। सिंपल ये हमारा एक वियर्ड एक ख़राब सा वेबसाइट मतलब लिख आप लोगों को दिखाई देगा। बाद में आने वाले वीडियोस होंगे मतलब HTML होंगे, CSS होंगे, जावास्क्रिप्ट, जब ये सारे कोर्स हम कंप्लीट करेंगे तो हम एक बड़ा सा वेबसाइट बनाएंगे, एक बड़ा सा, जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। फिर आप लोग जाके फाइवर से मतलब आप लोग सीखेंगे सारे सब कुछ ना, तो फाइवर से अपवर्क से इधर उधर उधर जॉब वगैरह में आप ले सकते हो उससे। तो ये हमारे पास कुछ टैग्स हो गए, इसमें हम आप लोग अगर आप लोग चाहो कि एक
लिंक जिस तरह हम कहते हैं लिंक टैग हम लगा सकते हैं, तो हम लिंक टैग भी ले सकते हैं। अगर सिंपली हम अगर ए लिखेंगे तो हमारे पास एक एंकर टैग ओपन होगा, इसका मतलब है एंकर टैग। क्लिक करूंगा मैं, लिखूंगा एच रेफ को हम बाद में देखेंगे। सही है, ये हमारे पास एक किसी एक लिंक को दूसरी लिंक के साथ अटैच करने में हेल्प करता है एच रेफ। सही है, तो ये इसको हम बाद में देखेंगे। मैं इधर लिख लेता हूँ, तो आप लोग देखो कि हमारे पास एक अंडरलाइन होगी उसमें लिखा होगा हेलो, और ब्लू कलर का होगा टैग बना, तो देख सकते हो आप लोग ये लिंक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो आप लोग देख लेना कि हमारे पास एक टैग बन गया है। तो चलिए बाकी इंशाल्लाह और हम और टैग्स हम एक्सप्लोर करेंगे, और टैग्स बहुत सारे टैग्स हैं, हम ऐसे टैग्स एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी एक वेबसाइट में काम आएगी, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, बॉडी, इस तरह कुछ के। हम मतलब ज्यादा टैग्स तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हम मतलब जो खास है, इम्पोर्टेंट है, वो टैग्स हम एक्सप्लोर करेंगे। सही है, उन चीज को इस तरह ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नल चीज हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इधर लिखूं लिंक, सही है, लिंक लिखो इंक, तो हमारे पास इधर आते हैं लिंक सीसेस। सही है, इसका मतलब है कि हमारे पास सीसेस का एक फाइल पड़ा हुआ है, वो मैं इस HTML के साथ लिंक करना चाहता हूँ, इसका मतलब यही है। तो अगर मैं इसको लिंक करूँ तो मेरे पास आप लोग देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दूँ तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक लिंक सा क्रिएट हो गया। सही है, तो ये स्टाइल शीट आप ऐसे ही रहने दो, मतलब ये स्टाइल शीट सीएसएस का मतलब है कैस्कोडिंग स्टाइल शीट, और एचडीएफ का मतलब है, मैंने आपको बताया ना इससे मतलब एंकर टैग में आप लोगों को बताया कि एक ये हमें एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने में, या एक पेज को दूसरे पेज में जाने के लिए हमें ये हेल्प करता है। तो एचडीएफ में मैं इधर लिखूंगा जो हमारे फाइल का नाम है index.css, तो मैं इधर लिखूंगा index.css, तो ये हमारे पास ये लिंक हो जाएगा। सही है, आप लोग बस सिर्फ इतना ही जान लो कि ये हमारे पास लिंक का एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट भी है, मैंने आप लोगों को कुछ टैग्स भी बताए। तो बस आज के लिए यही काफी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।